गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गर्ल्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किमोनो क्या होता है, किमोनो स्लीव क्या होती है, किमोनो स्लीव को हम किमोनो स्लीव क्यों कहते हैं। आज मैं इसके बारे में बताऊंगी कि किमोनो स्लीव की ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि इसे हम वन पीस स्लीव भी कहते हैं। वन पीस स्लीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडाइस पार्ट के साथ ही बनाई जाती है। स्लीव को बॉडाइस पार्ट के साथ बनाने के कारण हम इसे वन पीस स्लीव भी कहते हैं। इसे हम एक्सटेंडेड स्लीव भी कहते हैं। एक्सटेंडेड स्लीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, ये बॉडाइस पार्ट है, इसी पार्ट को हमने एक्सटेंड यहाँ से कर दिया तो ये स्लीव बन गया, इसलिए हम इसे एक्सटेंडेड स्लीव भी कहते हैं। तो एक बार फिर अपन ये डिस्कस करेंगे कि किमोनो स्लीव क्या होता है। किमोनो स्लीव्स आर कट टुगेदर विथ फ्रंट एंड बैक बॉडाइस इन अ वाइड स्लोपिंग शेप। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम किसी कोई भी ड्राफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी किमोनो स्लीव की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें निम्नलिखित मेजरमेंट्स की जरूरत है। वेस्ट लेंथ 24 सेंटीमीटर्स, स्लीव लेंथ 28 सेंटीमीटर्स, राउंड चेस्ट 56 सेंटीमीटर्स, राउंड बॉटम। राउंड बॉटम स्लीव का है कि जितने लंबाई की हमें स्लीव बनानी हो वहीं पर राउंड में मेजरमेंट ले लिया जाता है, जो कि राउंड बॉटम मेजरमेंट कहलाता है। 16 सेंटीमीटर्स, अक्रॉस बैक 23 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर जितने भी मेजरमेंट्स मैंने जो लिए हैं वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट से लिए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इन मेजरमेंट में चेंजेस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि स्लीव पर हम ड्राफ्टिंग बना रहे हैं लेकिन हमें अक्रॉस बैक और वेस्ट लेंथ की जरूरत क्या पड़ रही है। देखिए, क्योंकि ये जो स्लीव है वो बॉडाइस पार्ट के साथ ही अटैच्ड है, तो जब तक हम बॉडाइस पार्ट को नहीं बनाएंगे तो स्लीव कैसे बनाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर वेस्ट लेंथ की भी जरूरत पड़ रही है और अक्रॉस बैक की भी जरूरत पड़ रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 0 to 1 मेजरमेंट। 0 to 1 मेजरमेंट किसके इक्वल होता है? वेस्ट लेंथ के इक्वल होता है। 0 to 2 मेजरमेंट जो मैंने यहाँ पर लिया है, दिस इज 1/4 ऑफ राउंड चेस्ट मेजरमेंट। 0 to 3 हाफ ऑफ अक्रॉस बैक। 2 to 4 1/4 ऑफ राउंड चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर फॉर इज अनाउंस। 1 to 5 इक्वल्स टू 2 to 4 मेजरमेंट। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम लेंगे 2 to 6 मेजरमेंट। 2 to 6 मेजरमेंट जो है वो 0 to 3 के इक्वल है। जॉइन 3 to 6 विद अ स्ट्रेट लाइन। 0 to 7, 0 to 7 नेक की विड्थ को बताता है। ये लिया जाता है 1/12 ऑफ राउंड चेस्ट। 0 to 8 एवं 0 to 9 नेक की डेप्थ को बताता है। 0 to 8 इक्वल्स टू 1/12 ऑफ राउंड चेस्ट फॉर बैक नेक डेप्थ। जॉइन 7 to 8 विच इज स्लाइट कर्व एज शोन इन द ड्राफ्ट फॉर बैक नेक शेप। 0 to 9 इक्वल्स टू 1/12 ऑफ राउंड चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर फॉर फ्रंट नेक डेप्थ। जॉइन 7 to 9 विच इज स्लाइट कर्व एज शोन इन द ड्राफ्ट फॉर फ्रंट नेक शेप। तो यहाँ तक का जो पार्ट हमने क्रिएट करा है ये हमारा बॉडाइस पार्ट बन जाता है। उसके बाद आता है 3 to 10। ये मैंने शोल्डर स्लोप लिया है 1.5 सेंटीमीटर। अब स्लीव की लंबाई को हमें बनाना होता है। 10 टू 11 शोज द लेंथ ऑफ स्लीव, जो कि मैंने 28 सेंटीमीटर लिए, तो 10 टू 11 में 28 सेंटीमीटर लूंगी। 11 टू 12 हाफ ऑफ राउंड बॉटम। राउंड बॉटम मैंने यहाँ 16 सेंटीमीटर लिया है, तो ये मैं 8 सेंटीमीटर उसका हाफ करके ले लूंगी, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जॉइन 11 टू 12 विद अ स्ट्रेट लाइन। 12 टू 5 को हम ज्वाइन करेंगे एज शोन इन द ड्राफ्ट विद ए स्लाइट कर्व। इस प्रकार से हमारा किमोनो स्लीव का ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। अब इसमें भी हमें उसी तरह से मार्किंग करनी होती है जैसे मैंने अदर ड्राफ्टिंग में करी थी। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ऑफ ग्रीन लाइन एरो को शो करा है क्योंकि ये फ्रंट एंड बैक दोनों को बताता है, इसलिए मैंने एफ एंड बी लिखा है। ये स्ट्रीट ग्रेन में बनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रीट ग्रेन लाइन को शो करा है। ये स्लीव वाला पार्ट है और यहाँ पर मैंने स्लीव लिखा है। अब देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जो मैंने यहाँ पर स्लीव बनाया है वो यहाँ पर मैंने स्लोपिंग बनाया है। यदि हम चाहें तो इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में शो करा है कि यहाँ पर मैंने शोल्डर स्लोप ना लेकर मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे बनाया है। यहाँ पर हाफ ऑफ द राउंड बॉटम लेकर इस स्लीव के शेप को इस तरीके से मैंने मिलाया है, तो भी हमारा किमोनो स्लीव का ड्राफ्ट बन जाता है।
इसमें और वेरिएशन करना चाहें, जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्लाइटली इसको स्लोपी लिया है और यहाँ पर मैंने इसको ब्लैक लाइन से शो कराएगी, स्लाइटली मैंने स्लोप लेकर स्लीव के शेप को बनाया, तो इस प्रकार से स्लीव का शेप बन जाएगा। और ज्यादा आपको स्लोपी बनाना है तो आप डायरेक्ट इसको यहीं से इस तरीके से स्लोपिंग लेंगे तो ये और ज्यादा स्लोपी बन जाएगा। लेकिन जब हम इतना ज्यादा स्लोपी बनाना है तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारा आर्म होल पर कंफर्ट फीचर रहे। इस प्रकार से हम तीन वेरिएशंस, तीन शेप्स इसके क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट पर और हमारे डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है। अब इसके बारे में यदि हम देखें तो इस स्लीव की क्या विशेषता है, थोड़ा बहुत हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस स्लीव डजेंट स्टे क्लोज टू द अंडर आर्म। ये स्लीव अंडर आर्म पर चिपकती नहीं है। क्यों नहीं चिपकती है? क्योंकि स्लीव और बोडेस के बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जिसके कारण यहाँ पर रिंकल्स बन जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर ड्रेपिंग लुक देता है। और ड्रेप्ड लुक देने के लिए जरूरी है कि इसको बनाने के लिए हम लाइट टू मीडियम वेट मटेरियल लें, तो ये बहुत ही अच्छा ड्रेपिंग लुक देता है। इसके साथ ही इसमें जो अनअवॉइडेबल रिंकल्स बनते हैं वो भी इसका एक मेन फीचर है। इस प्रकार से किमोनो स्लीव की ड्राफ्टिंग की जाती है। अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट स्लीव बैटमिंग स्लीव के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।